टर्न ऑन स्टूडियो प्लस फैन, टर्निंग ऑन द फैन। तो दोस्तों फाइनली मैंने मेरे स्टूडियो के लिए एक ट्रू स्मार्ट फैन ले लिया है, जो है एटमबर्ग कंपनी का स्मार्ट स्टूडियो प्लस, जिसमें बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स है। जैसे कि इस फैन को मैं वॉइस कमांड दे सकता हूँ। अब से मुझे किसी को बोलने का जरूरत नहीं है कि फैन को ऑन कर दीजिए, जाते जाते फैन को ऑफ कर दीजिएगा, वो सब बोलने का जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली फैन को बोल सकता हूँ कि फैन चालू हो जा, फैन ऑफ हो जा, इस तरह से। मतलब ये जो फैन है यह गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ कंपेटेबल है। उसके अलावा इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, एक मोबाइल ऐप भी आता है, और इसके मोबाइल ऐप से आप इस फैन को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऐप के अलावा इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलेगा, तो रिमोट से भी आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। उसके अलावा भी और बहुत सारे फीचर्स है इस मॉडर्न फैन पे, जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो जैसे कि आजकल सभी गैजेट्स स्मार्ट हो गए हैं, तो सीलिंग फैन क्यों पीछे है? तो आजकल सीलिंग फैन भी स्मार्ट हो गए हैं, और उनमें से बेस्ट ट्रू स्मार्ट सीलिंग फैन है ये वाला BLDC एटमबर्ग स्मार्ट स्टूडियो प्लस। स्मार्ट होने के साथ साथ ये जो फैन है ये एक डिजाइनर फैन है। वैसे डिजाइनर फैंस का बात करें तो मार्केट पे डिजाइनर फैंस का कमी नहीं है, लेकिन एटमबर्ग कंपनी के अलग अलग टाइप के डिजाइनर फैंस ने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया। जैसे कि स्टूडियो प्लस जो मैंने लिया, उसके अलावा भी है एरिस, एरिस स्टारलाइट, रेनेसा प्लस और एरिका। और ये सभी डिजाइनर फैंस यूनिक स्टाइल्स और फीचर्स के साथ आते हैं, लेकिन मैंने सिलेक्ट किया है स्टूडियो प्लस को मेरे स्टूडियो के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये वाला हो गया सीलिंग फैन का बॉक्स, और कंपनी का नाम है एटमबर्ग, और जो मॉडल है उसका नाम है स्टूडियो स्मार्ट प्लस। यहाँ पे लिखा है बाईपास रेगुलेटर फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पे दिखाया है ये गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ भी कंपेटेबल है। इसका एक मोबाइल ऐप आता है, और मोबाइल ऐप का नाम है एटमबर्ग होम ऐप। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2+1 ईयर का वारंटी है, टोटल 3 ईयर का वारंटी है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन है हाईएस्ट रेटिंग एंड रिव्यूज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद लिखा है ऑपरेट्स ऑन वॉइस कमांड, जो मैंने आपको बोल ही दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, जो आप इसके ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद इस साइड में देखते हैं, तो इस साइड में इस फैन का पिक्चर है, और इस फैन का कलर है मार्बल व्हाइट, और ब्लेड्स का साइज है 1200 mm। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर है, रिमोट कंट्रोल है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है। इसका एटमबर्ग होम ऐप को डाउनलोड करने का क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ भी कंपेटेबल है। उसके बाद इस साइड में देखते हैं, इस साइड में इसका जो रेटिंग है वो दिया है, जो है 5-स्टार रेटिंग का, और यहाँ पे लिखा है इस कंपनी का 400+ सर्विस सेंटर्स है, तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रन्स अप टू 3 टाइम लॉन्गर ऑन इन्वर्टर, ये भी अच्छा लगा मुझे। लेड इंडिकेटर है नीचे, यहाँ पे आपको लेड लाइट्स मिल जाएंगे। कंटेम्पररी लुक है। उसके बाद दूसरे साइड में देखते हैं और क्या है। उसके बाद इस साइड में कंपनी का डिटेल्स और कस्टमर केयर नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन है 8,910 रुपीज। लेकिन इतना नहीं है, फिलहाल आपको ये वाला स्मार्ट सीलिंग फैन मिल जाएगा 5,399 रुपीज पे। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो अंदर पे देखिए, ये वाला हो गया इसका मोटर, और ये सब हो गया ब्लेड्स। चलिए अभी मोटर को निकालते हैं। तो यहाँ पे ही इसका यूजर मैनुअल वगैरह दिया हुआ है। तो ये वाला हो गया इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यहाँ पे फैन के सभी फीचर्स के बारे में दिया हुआ है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, रिमोट कंट्रोल के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और ये वाला हो गया इसका वारंटी कार्ड, जो है 3 ईयर्स का। तो उसके बाद ये हो गया इसका कैनोपी, ये वाला दूसरा कैनोपी। उसके बाद ये सब इंस्टॉलेशन करने के लिए स्क्रूज वगैरह दिया हुआ है, 2 AAA बैटरी दिया हुआ है। ये वाला हो गया इसका रिमोट कंट्रोल, इसमें आपको 2 AAA बैटरी डालना होगा, जो साथ में दिया गया है। तो इस रिमोट कंट्रोल को पास से देखेंगे बाद में। उसके बाद ये सब हो गया इसका इंस्टॉलेशन किट, सेफ्टी वायर्स वगैरह है, ये भी कैनोपी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये वाला हो गया इसका रोड, ये भी इंस्टॉलिंग किट। उसके बाद और एक बॉक्स है छोटा सा, चलिए इसको भी खोल के देखते हैं। तो इसमें ये जो कनेक्टर है जो ऊपर में लगता है वो सब है, स्क्रूज वगैरह है, और आखिर में ये वाला हो गया इसका मोटर, जो बहुत ही हल्का है, और BLDC मोटर हल्का ही होता है। तो इसको अनपैक करेंगे, उससे पहले ब्लेड्स को भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एक ब्लेड, ये दूसरा, और ये तीसरा। और ब्लेड्स का साइज है 1200 mm का, और ये मार्बल व्हाइट कलर का है। ऊपर में प्लास्टिक लगा हुआ है ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई भी स्क्रैच वगैरह ना लगे। उसके बाद ये वाला BLDC मोटर, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसका प्रोटेक्टिव फिल्म यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको भी बाद में निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे LED लाइट्स भी है। उसके बाद ये वाला हिस्सा ऊपर का है, यहाँ पे कनेक्शन होगा, ये जो रोड है यहाँ पे जाएगा, ये जो कैनोपी है यहाँ पे ऐसे जाएगा, और जो ब्लेड्स है यहाँ पे लगेंगे। तो वो सब इलेक्ट्रिशियन करके देंगे जो अभी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं इस फैन
पे क्या क्या खास है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो फैन है इसमें BLDC मोटर लगा हुआ है, इसीलिए ये जो फैन है ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। वैसे इस फैन पे 3 साल का वारंटी तो है ही, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि ये उससे भी बहुत ही ज्यादा साल चलेगा। और जो कि इसमें BLDC मोटर है, इसीलिए ये जो फैन है ये सुपर एनर्जी एफिशिएंट है और ये फैन सिर्फ 28 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है इसके फुल स्पीड में। तो नॉर्मल फैन के मुकाबले में अगर आप ये वाला फैन लगाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ही कम आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये वाला स्टिकर देख लीजिए। ये जो फैन है ये 5-स्टार रेटिंग वाला फैन है। इस स्टिकर का मतलब ये है कि जितना ही स्टार ज्यादा होगा उतना ही बिजली का बिल कम आएगा। दैट मींस आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस फैन यू कैन सेव अप टू 65% ऑन योर एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये जो फैन है ये इन्वर्टर पे भी 3 गुना ज्यादा देर तक चलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन हो गया, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि ये एक डिजाइनर फैन है, मॉडर्न एंड प्रीमियम लुक है और बिल्ड क्वालिटी भी A1 है। नीचे लेड लाइट्स भी है जिनको एज ए नाइट लैंप आप यूज कर पाएंगे और इनको आप ऑफ करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी फैन को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए मैंने रिमोट के पावर बटन को दबाया और ये देखिए फैन चालू हो गया। चलिए अभी बात करते हैं ये फैन मुझे कैसा लगा, मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले यह फैन बहुत ही पावरफुल है, बहुत तेज घूमता है, फिर भी इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता। एयर थ्रो भी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी दूर तक हवा फेंकता है। एक 300-400 स्क्वायर फीट रूम के लिए काफ़ी है। चलिए अभी फैन के रिमोट कंट्रोल को देखते हैं। तो ये हो गया फैन का यूनिक रिमोट, क्योंकि इसमें एक होल भी दिया गया है ताकि इसे आप जहाँ चाहे वहाँ टांग सके। उसके बाद ये वाला हो गया पावर बटन फैन को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद ये वाला हो गया स्पीड कंट्रोलर, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग स्पीड में चला पाएंगे और स्पीड के नंबर के हिसाब से फैन का लेड लाइट्स भी ऑन होंगे। 1 दबाया तो 1 लाइट और 5 दबाया तो 5 लाइट जलेंगे। और बीच में ये हो गया बूस्ट मोड का बटन, इसको दबाने से फैन हाईएस्ट स्पीड में चलेगा। उसके बाद नीचे है टाइमर बटन, इससे आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर या फिर 6 आवर्स का टाइमर लगा पाएंगे और उस हिसाब से फैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। फैन के लेड लाइट्स के नंबर से आपको टाइमर कितना लगाया है वो पता चलेगा। उसके बाद ये है फैन के लेड लाइट्स को ऑन ऑफ करने का बटन। उसके बाद है स्लीप टाइमर का बटन, इसको दबाने से फैन का स्पीड हर 2 घंटे के बाद 1 स्टेप कम हो जाएगा और आखिर में 1 नंबर पे घूमता रहेगा। और ये जो फीचर है ये बहुत ही काम आता है रात के समय में, आपको रात को बिस्तर से उठना नहीं पड़ेगा फैन के स्पीड को कम करने के लिए। चलिए अभी इस स्मार्ट फैन को मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से एटमबर्ग होम ऐप को डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस ऐप में साइन अप करके लॉगिन हो जाना है और ऐप में दिए गए प्लस आइकन पर टैप करके आपको फैन को ऐड कर लेना है। प्लस आइकन पर टैप करने से ब्लूटूथ के थ्रू ऐप फैन को ढूंढ लेगा। उसके बाद सिंपली कनेक्ट पर टैप करना है और फैन के मॉडल के हिसाब से और कलर के हिसाब से फैन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद घर के वाईफाई इंटरनेट के पासवर्ड को डालना होगा और अपना रूम जहाँ पे फैन को लगाया है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और फैन आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया। अभी इस स्टेप में आप वारंटी भी सेट कर सकते हैं, पर मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये देखिए फैन ऐप में ऐड हो गया है। तो ये जो ऐप है यहाँ पे आपको दिखाएगा जो फैन है वाईफाई से कनेक्ट है या ब्लूटूथ से कनेक्ट है। फिलहाल ये वाईफाई से कनेक्ट है और इसका जो लाइट्स है वो ऑन है। उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इसको प्रेस करने से फैन ऑन ऑफ हो जाएगा या फिर यहाँ पे टैप करने से रिमोट कंट्रोल का जो फीचर्स है यहाँ पे आ जाएगा। तो बीच वाला जो बटन है उससे आप फैन को ऑन कर पाएंगे। अभी ये फिलहाल बूस्ट मोड पे है, स्पीड को आप ऐसे कंट्रोल कर पाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्लाइड करके आप कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद लाइट्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे और बाकी जो टाइमर है और जो स्लिप फंक्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी फैन को ऑफ कर देते हैं यहाँ से। तो फैन ऑफ हो गया है। तो जो रिमोट कंट्रोल पे जो फीचर्स है ऐप में भी है, लेकिन इस ऐप से आप फैन को एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं क्विकली एलेक्सा के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हो गया, अभी एलेक्सा को बोल के मैं फैन को कंट्रोल कर पाऊंगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। Alexa, turn on the Studio Plus fan.
एलेक्सा टर्न ऑफ द स्टूडियो प्लस फैन। तो देखा आपने, मैंने एलेक्सा के थ्रू फैन को ऑन किया और ऑफ किया। उसके अलावा जो ऐप है उसमें भी आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माइक का आइकन है, तो वहाँ पे प्रेस करके भी आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। टर्न ऑन स्टूडियो प्लस फैन, टर्निंग ऑन द फैन, टर्न ऑफ द स्टूडियो प्लस फैन, टर्निंग ऑफ द फैन। तो देखा आपने, इस ऐप से भी आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का जरूरत भी नहीं है। उसके बाद और देखते हैं क्या है। उसके बाद नीचे ये हो गया परफॉर्मेंस एनालिटिक्स का बटन। इस पे टैप करके आपने कितना बिल सेव किया, कितना करंट यूज हुआ, कितना देर फैन चला, वो सब आप देख पाएंगे। तो ये जो फीचर है बहुत ही काम आएगा। उसके बाद ये जो फैन है ये वाईफाई से भी चलता है और ब्लूटूथ से भी चलता है। अगर आपके घर में वाईफाई का प्रॉब्लम है तो आप सिंपली ब्लूटूथ से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वाईफाई को डिसेबल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, वाईफाई का आइकन अभी ब्लूटूथ में चेंज हो गया है। पहले था वाईफाई, अभी हो गया ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ से भी आप इस फैन को ऑपरेट कर पाएंगे। तो अभी ये ब्लूटूथ मोड पे चल रहा है। तो ये जो ऐप है इसमें आप अपने फैमिली मेंबर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। उसके बाद नीचे देखिए, मैनेज फैमिली का ऑप्शन है, वहाँ पे टैप करके आप फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इस ऐप में गेस्ट मोड भी है, मतलब अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो उनको क्या करना होगा, सिंपली एटमबर्ग होम ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद वो गेस्ट मोड से फैन को ऑपरेट कर पाएंगे। तो है ना सच में ये एक ट्रू स्मार्ट सीलिंग फैन विथ प्रीमियम डिजाइन, मॉडर्न लुक एंड विथ BLDC मोटर। तो और क्या चाहिए, मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस स्मार्ट सीलिंग फैन से। तो अगर आपको भी ये वाला फैन पसंद आ गया है और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इस स्मार्ट सीलिंग फैन का फिलहाल का प्राइस है 5,399 रुपीज और आते हैं 3 ईयर्स के वारंटी के साथ। कलर्स भी अलग अलग अवेलेबल है, जैसे कि मार्बल व्हाइट जो मैंने लिया, उसके अलावा है अर्थ ब्राउन। इनमें से आप अपने पसंद का कलर का स्मार्ट फैन खरीद सकते हैं। तो आपको ये वाला स्मार्ट सीलिंग फैन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का प्रोडक्ट और वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।